शुरुआत कहाँ से की आपने, शुरुआत कैसी रही थी आपकी? देखो मैं, मेरा पहले कैरेक्टर बताऊं तो मैं तो बहुत शैतान था बचपन में, तो जो माँ बाप ने सोचा कि यार इसकी शैतानी बढ़ रही है अभी, तो उन्होंने क्या किया कि मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मुझे भेज दिया गुरुकुल। आप जानते हो कि गुरुकुल बोले तो एक निकली, तो हॉस्टल में मुझे भेज दिया क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा होकर वापस आए, तो वहीं पे चला गया मैं गुरुकुल। तो क्रिकेट का कोई काम नहीं था अभी तक, मैं क्रिकेट ऐसा इतना ज्यादा नहीं खेलता था, तो गुरुकुल में ऐसा था ना कि रोज खेलते थे बच्चे थे, बच्चे थे गुरुकुल में और रोज खेलते थे, तो बाद में धीमे धीमे सबको पता चला कि ये तो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो 600-700 जन मेरी तारीफ करने लगे। और जब भी वहाँ टीम बनाते थे मेरी अगेंस्ट में तीन देर मांगते थे, खबर लोग उसने किसी ने मुझे मांगा तो उसके अगेंस्ट में उसको तीन करते थे, तो मुझे पता चला ये लोग इतनी तारीफ कर रहे तो कुछ तो है, तो थोड़ा सा वो आ गया कि नहीं क्रिकेट में खेल सकता हूँ ऐसे। तो उसके बाद भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि हर संडे को गुरुकुल के आसपास जो गांव है तो वहां से जो कॉलेज के लड़के वो खेलने आते थे हमारी टीम के सामने, उसके सामने भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो भी तारीफ करने लगे, तो मुझे लगा कहीं कि क्रिकेट में कुछ दम है मेरा, तो तब मैंने सोचा कि क्रिकेट ही खेलना है तो टेनिस से आगे नहीं बना जा सकता, तो मैंने क्या किया कि गुरुकुल से स्टडी छोड़ दी मैंने खेल के बाद, हाई स्कूल ढूंढ रहा था कि मुझे सुजन क्रिकेट खेलने को मिले, क्या खेल के ज्यादा रुचि हो तो एजुकेशन भी इतना सारा करना ना पड़े, तो मैंने हमारे जो नखदवा में हाई स्कूल वो पहले से है वो मैंने वहाँ एडमिशन करवा लिया, तो वहाँ से मेरा करने स्टार्ट हुआ था। तो पहले मैं कश्मीर का खेला, उसके बाद हिलसिल खेला, तब लोगों ने मेरी तारीफ की कश्मीर, अभी नखदवा तालुका से ज्वाइन कर ले जहाँ हो रही है, तो उसके चलते मैंने कॉलेज ज्वाइन कर अहमदाबाद में, अहमदाबाद में कॉलेज ज्वाइन कर दी, प्रैक्टिस भी वहां मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब आपकी शुरुआत गुरुकुल से होते होते अहमदाबाद तक पहुंची,